सब मिलेगा जूम टीवी .in। कंगना रनौत लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही है बिजी और काम का बोझ कुछ ऐसा है कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। फिर इसका असर बाकी चीजों पर तो पड़ेगा ही। अब देखिए ना, हमने कंगना से पूछा एक सिंपल सा सवाल कि नॉकआउट में अपने रोल के लिए उन्होंने कैसी की प्रेपरेशन, तो अपना जवाब देने के लिए कंगना को अपने दिमाग पर देना पड़ा काफी जोर। मैंने बहुत सारे ऐसे वारदात देखे और कैसे क्राइम जर्नलिस्ट उनको रिपोर्ट करते हैं, उनका एक अलग ढंग रहता है, एक अलग तरीका रहता है, तो ऐसे काफी रिसर्च किया। कंगना की बातों में तो ज्यादा काम का असर आने ही लगा है। कंगना के ड्रेसिंग सेंस पर भी नजर आ रहा है इसका इफेक्ट। हाल ही में ऐसा देखा गया जब कंगना रनौत शूट से सीधे पहुंची थी हेलो अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर, और इसी जल्दबाजी में कंगना एक बार फिर बन गई थी फैशन पुलिस की शिकार। क्योंकि कंगना जिस कॉस्ट्यूम में इस अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर पहुंची, उस कॉस्ट्यूम से साफ नजर आ रहा था उनके इनोवे का स्ट्रैप। और जब संजय मान्यता के बेबी शावर में पहुंची थी कंगना, तब भी शायद वो थी थकान और अनिद्रा का शिकार, क्योंकि उनकी कुर्ती का लेफ्ट साइड रह गया था अनजिप। इतने गड़बड़ से अनजान कंगना यहां दे रही थी पोज। अब कंगना भले ही समझना ना चाहे, पर लोगों को तो ये समझ आने ही लगा है कि कंगना को नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर रेस्ट, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल तो यही है जब नॉकआउट पर पूछे गए सवाल पर कंगना ने हमें कर दिया नॉकआउट। मैंने बहुत सारे ऐसे वारदात देखे और कैसे क्राइम जर्नलिस्ट उनको रिपोर्ट करते हैं, उनका एक अलग ढंग रहता है, एक अलग तरीका रहता है, तो ऐसे काफी रिसर्च किया।